सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या केस की सुनवाई की डेडलाइन एक दिन घटा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अयोध्या केस में सुनवाई 17 अक्टूबर तक चलेगी। कोर्ट ने पक्षकारों से कहा कि वो 17 अक्टूबर तक अपनी जिरह पूरी कर लें। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने जिरह पूरी करने के लिए 18 अक्टूबर तक की डेडलाइन तय की थी। अगले हफ्ते दशहरे के अवकाश के चलते कोर्ट बंद रहेगा, इस लिहाज से अब सिर्फ 4 दिन की सुनवाई अयोध्या केस में बाकी बची है। बता दें कि अयोध्या मामले की सुनवाई के 32वें दिन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा था कि इस मामले में जिरह पूरी करने की समय सीमा को 18 अक्टूबर से एक दिन भी ज्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता है। पक्षकारों को तब तक अपनी जिरह पूरी हर हाल में करनी होगी। लेकिन शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगले हफ्ते दशहरे की छुट्टी के चलते कोर्ट बंद रहेगा, लिहाजा दोनों पक्ष अपनी जिरह 17 अक्टूबर तक ही समाप्त कर लें। आपको बता दें कि CJI 17 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के कैलेंडर के मुताबिक 5 अक्टूबर यानी कि दिन शनिवार को 13 अक्टूबर तक दशहरे का अवकाश है। वैसे 16 नवंबर और 17 नवंबर को शनिवार और रविवार पड़ेगा। इन दो दिन सामान्यतः सुप्रीम कोर्ट नहीं खुलता है। 17 नवंबर की समय सीमा के पहले दशहरा और दीपावली का अवकाश भी पड़ेगा, इस लिहाज से भी संविधान पीठ के पास वक्त बहुत कम बचा है। हालांकि चीफ जस्टिस साफ कर चुके हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो अवकाश वाले दिन भी या फिर शनिवार और इतवार के दिन भी सुनवाई की जा सकेगी। आमतौर पर संविधान पीठ जब किसी मामले की सुनवाई करती है तो हफ्ते में 3 दिन मंगल, बुध और गुरुवार को ही सुनवाई करती है, लेकिन इस मामले में CJI ने 5 दिन सुनवाई का फैसला लिया है। इतना ही नहीं, बेंच सोमवार से गुरुवार तक एक एक घंटे अतिरिक्त शाम 4 बजे से 5 बजे तक बैठ रही है। SPN9 न्यूज के लिए मैं ब्रह्मांश यादव। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज।